हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यू भी उठ गया और दूध पी रहा है। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? क्लीन अप, क्लीन अप, है ना? तो फिर हम फटाफट से क्लीन अप करेंगे और उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी। ओह, को खटकियों में हमारे दरवाजे हिट चेक कर बे रुनो। हिट मेरे चक्कर में हिट चेक कर बे रुनो। तो जब भी आपके बच्चे आपको काम ना करने दे, उन्हें काम घुमा दो, उनका गेम भी बन जाएगा और मस्त में करेंगे भी और आपका काम भी हो जाएगा। ये लजी सुपर। आप तो पहले ही शुरू हो गए हैं। डोसा पसंद है आपको? सुपरा। कहता है मम्मा आप अच्छे हो ना, मैंने कहा हाँ। पापा भी अच्छे हैं ना, मैंने कहा हाँ। लेकिन एक चीज आप दोनों की गंदी है, मैंने कहा क्या? आप दोनों इतना गुस्सा क्यों करते हो? यूवी के उल्टे काम रहते हैं इसके लिए। आप दो बचाओ, चला मत बनो वरना मैं पंखी के ऊपर रख दूंगा। पंखी के ऊपर रख दोगे हमको? इतने बड़े हो गए आप। और ये देखो क्या मस्त डोसे बने हैं आज। बना सही बैटर है आज, फाइनली बना सही बैटर। सही था, बस फर्मेंट हो रखा था इसलिए तो बस बढ़िया बने डोसे। मैं कल बाग बाग से पार्क से आ रहा था आपके पास, इसीलिए आपके पैर में दर्द हो गया। हाँ। ये कौन सी बात हुई भाई? आप तो स्ट्रॉन्ग बॉय हो, आप कहते हो इसके लिए जनवरी का महीना आ गया है। ठंड हो रही बेटा? नहीं हाँ राम लो, लंच रेडी हो गया। लंच रेडी आ लो। ये क्या चल रहा है भाई? नमस्कार, मैं हूं सुमन और आज आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं चाय पे चर्चा पे कार्यक्रम में। चाय पे कंपटीशन कार्यक्रम में। और आज हम खेलने वाले हैं टंग ट्विस्टर चैलेंज। सो ये कुछ मैंने चिट्स बना रखी है। बिस्किट नहीं खाना, मेरी बात सुनो। इसमें 10 टंग ट्विस्टर्स हैं, ठीक है? कितनी बार बोलेंगे? तीन बार भी बोल दिया बहुत है आपके लिए। व्हाट डू यू मीन बाय आपके लिए? तो पहले आपकी चांस, आपको ये पिक करना है और तीन बार बोलना है इसको, ठीक है? अब इसमें से पिक करो फटाफट से एक। सुनो, गेम के टाइम पे सिर्फ गेम पे फोकस, अभी थोड़ा सा ये कर दो। काम भी चल रहा है साथ। काम भी चल रहा है, बस मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट, ठीक है? ठीक है। चलो फिर पढ़ लो अच्छे से क्या है। तीन बार बोलना है, सीधी करो पर्ची और एक बार पढ़ के बता दो क्या लिखा है उसमें। कच्चा कद्दू। कद्दू है? कद्दू है, कद्दू। कद्दू लिखना नहीं आता क्या? कद्दू हिंदी में क्या लिखा? कद्दू लिखा, कद्दू। आप पढ़ो ना। कच्चा कद्दू, पक्का कद्दू, ठीक है? पांच बार बस इतना ही है। हाँ। अबे पांच बार बोलना है। तीन बार डिसाइड हुआ था ना, पांच बार चेंज हो गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये अपने लिए रखा हुआ था क्या? ऊपर से रखा। पांच बार बोलना है, नाउ इट्स डिसाइडेड। अब देखिए, हाँ ऐसा आया कि कभी सुनाई ना हो। ये वैसे आपने खुद ही बनाया है ना, तो पता होंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। अरे लेकिन मैंने वो थोड़ा ना किया, पढ़ा थोड़ा ना, बस मैंने लिख दिए। तो पर्ची देख के तो पता चल जा रहा होगा। नहीं भाई, अगली बार से मैं पकड़ूंगा। ओह शिट, मैन वही वाला आ गया जो। क्या है, हमें भी तो दिखाओ। लाला गोपे गोपाल गोपंगम दास। अब बोलो पांच बार। बात उछल उछल के बोला था, पांच बार बोलेंगे, रटना नहीं है भाई। पर्ची तो पहले इधर। लाला गोपे गोपाल गोपंगम दास, 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 लाला गोपे गोपाल गोपंगम दास। स्पीड भाई स्पीड। अबे स्पीड मैंने कितनी बोला था? इतनी तेज से बोला है अभी मैंने। मैंने कितने कच्चे तो कच्चे तो ऐसा बोलना है यार, बोल दिया ना मैंने। अब वो डन, नाउ इट्स योर टर्न। छोटी छोटी इसमें कम लिखा होगा, पढ़ के बताओ तो जरा। के दुल्हन दुल्हन दो बार क्यों लिखा हुआ है? दोबारा ही है वो। चार नई नवेली दुल्हन, दुल्हन नई नवेली चार। चार नई नवेली दुल्हन, दुल्हन नई नवेली सी, चार। ये है, मैंने अपने आप से तो नहीं बनाया होगा। चार नई नवेली दुल्हन, दुल्हन नई नवेली चार। चार नई नवेली दुल्हन, दुल्हन नई नवेली चार। चार नई नवेली दुल्हन, दुल्हन नवेली
दुल्हन नई नवेली चार पहली दुल्हन दुल्हन नई नवेली चार दुल्हन नहीं मैं कैंसल तीसरी बार में लड़खड़ा गए पांच बार भाई स्पीड में बोलना है और जितनी मैं बहुत स्पीड बोल रहा हूं उतना ओके आई विल स्टार्ट एक बार बोलने के लिए से 2 सेकंड है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीतल के पपीता ऐसे तो वो एकदम क्यों बोल रहे रुको ना पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला गलत हो गया ये कहा गलत हो गया ये खुद बनाए हुए हैं और रट्टे मार रखे हैं पहले से मैं सीरियसली कह रही मैंने कोई रट्टे नहीं मारे मैंने ऐसे इनके रट्टे वाले सारे के सारे मैंने ऐसे बस नेट से सोच रहा उसमें क्या पढ़ाई चल रही है सब सब झूठ है रट्टे मार रहे हैं हमें दिस इज हस मत क्या है ये मत हस मत कितनी धीर मत हस हस मत जैसे कि आप कोई रट्टे मार मार के प्यार नंबर आए हैं भाई रट्टे नहीं मारने पर कितनी बार एक ही बार पढ़ना है बस ये भाई मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मतलब कम से कम 1947 से ये सुनते हुए आ रहा है वही लिखे हो अपने लिए ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं होगा पके पेड़ पर पका पपीता पका हो गया गलत बाबा जी का टंडू ले लो हो गया गलत ले 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 डबल बबल गम क्या है ये पर लिखा है डबल बबल गम बबल डबल डबल बबल गम बबल डबल डबल बबल गम बबल डबल क्या है डबल बबल गम बबल डबल डबल बबल गम तो है भी नहीं है क्या लगे डबल बबल गम बबल डबल डबल बबल गम बबल डबल डबल बबल गम बबल डबल चलो ठीक है रख लिया मैंने कैंसिल ऐसा नहीं होता डबल बबल गम डबल बबल गम बबल डबल डबल बबल गम बबल डबल डबल बबल गम बबल डबल नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ अभी बाकी है एक चांस बोलो जल्दी बोलो डबल बबल गम बबल डबल हो गया ये गेम देख लो कैसे गेम हो रहा है अभी तो इक्वल पॉइंट्स है और ये मेरे पैसे क्यों आ रहे हैं आज हाँ मेरे पैसे क्यों आ रहे हैं आप 1947 वाले रट्टे पे पके पेड़ वो पका पक भी था वो भी नहीं बोल पा रहे लोग हो गया पढ़ना तो मैं बताऊंगा ना जो हंसी कोई हंसेगा नहीं वो कभी कोई फंसेगा नहीं जो हंसी कोई हंसेगा नहीं वो कभी कोई फंसेगा नहीं जो हंसी कोई हंसेगा नहीं वो कभी कोई फंसेगा नहीं जो हंसी कोई हंसेगा नहीं वो कभी कोई फंसेगा नहीं क्या जो वो कभी कोई फंसेगा नहीं तो 2-1 हो गया अभी मैं जीत रहा हूँ क्या आपके 2 गलती हो गए चीटिंग बोलने वाला ये इंसान फिर आप बोल रहे हो जज यही इंसान ओ भाई आपने आपके कैमरे में समझ समझ के जो ना समझे समझ समझाना भी एक समझ है वही बस हो गया हां लाओ क्या है पूरा का पूरा समझ समझ के जो ना समझे मैं तो समझाओ एवरी टाइम तब मुझे दो बार एक बार पढ़ना बस समझ समझ के समझ को समझो समझ समझाना भी एक समझ है ठीक है समझाना नहीं समझना इधर लाओ इधर मैं भी तो देखूंगी आप गलत बोल रहे सही बोल रहे जी तो इतना चालाक नहीं बनना चाहिए प्लीज तो पहले मेरे को रखने दो ना यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे रखो यहां पे मेरे टाइम पे ही इज लाइक कहीं एक भी वर्ड ऐसा ना आ जाए और अपने टाइम पे मार मत पकड़ो इसको अब पहले पूरा बताओ क्या है समझ समझ के बताओ पहले है क्या वो पहले दो यार जीतू ये आपके नाटक कब तक चलेंगे यार एक बार पढ़ने के लिए तो दो मुझे पढ़ लिया कितनी बार नहीं पढ़ा मैंने यहां से देख लो समझ समझ के समझ को समझो समझ समझाना भी एक समझ है समझ समझना फिर बोलोगे अपने गलत बोले समझ समझ के समझ को समझो समझ समझ के समझ को समझो समझ समझाना भी एक समझ है समझाना नहीं है वो समझना है गलत हो गया समझ समझना अच्छा ठीक पहले मैंने बोला गलत नहीं हुआ अभी समझ समझना भी एक समझ है समझ समझ के समझ को समझो समझ समझना भी एक समझ है समझ समझ के समझ को समझो समझ समझना समझना भी एक समझ है समझ समझ के समझ को समझो समझ समझना भी एक समझ है समझ समझ के समझ को समझो समझ समझना भी एक समझ है मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ उसके ऐसा कुछ नहीं होगा भाई समझ समझ के मैंने बोला ना
हो गया तो? समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के। देखो भाई मैंने बोल दिया है 3 बार, रोजी का रोजा रोज रोज रात में रूहानी बात बताए, रोजी का रोजा रोजी का रोजा रोज रोज रात में रूहानी बात बताए, रोजी का रोजा रोज रोज रात में रूहानी बात बताए, रोजी का रोजा रोज रोज रात में रूहानी बात बताए, रोजी का रोजा रोज रात में रूहानी बात बताए, रोजी का रोजा रोज रोज रात में रूहानी बात बताए। क्या गलत हो गया? रोजी का रोजा, हाँ तो क्या हो गया? रोज रोज रात में, हाँ गलत हो गया ना? ये नहीं है रोजी का रोजा रोज रोज रात में रूहानी बात बताए, ये नहीं है रोज रोज रात में रूहानी बात बताए। मैंने क्या बोला? रोज रोज बाद में रूहानी बात बताए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मतलब रिकॉर्ड है वहाँ पे, गो एंड चेक, गो एंड चेक। मैं जीत गया भाई, मैं जीत गया। जैसा कि आपने देखा ये इंसान कितना चीटिंग कर सकता है और कर रहे हैं, आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से थैंक यू सो मच आपका इतना सपोर्ट के लिए, थैंक यू। वैसे भी मैं पहले से एडिट कर रहा था और मुझे मिलता है ये बोल। ये कौन सी शक्ल बना के आए हो? मुझे नहीं पता। बाल कटा के आया हूं। अरे उन्होंने टेबल लगाया कि नहीं लगाया? तेरा उन्होंने तेल लगाया कि नहीं लगाया? हां कुछ लगाया उन्होंने। कहेंगे गाय के बच्चा यू भी क्या है ये? आन मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आपको? हाँ। अरे अभी तो आप बोल रहे थे कि ये अच्छी सी एंड बना दो, ये लो। कैसे पापा? ये छिपकली लग रही है। ये आपकी है? अरे छिपकली तुम्हारे गांव में ऐसी छिपकली होती है क्या? अरे ये तो ये शेप देखो ना इसका, बिल्कुल छिपकली। जो भी वीडियो देख रहा है ये बताओ कुआओं में ऐसी छिपकली होती है क्या? पैर छोड़ के उसका शेप पूरा छिपकली जैसा लग रहा है भाई। छिपकली जैसा? हाँ छिपकली का ऐसा शेप कहाँ से होने लग गया? अरे पैर कैसे? अगर आप पैर हटा दो ना क्या हो गया? छिपकली बता रहा है, छिपकली छिपकली की पूंछ का है। क्या बन गए? गणेश भगवान जी। गणेश भगवान है ना? भगवान जी को कहाँ बताना है? ऐसे नहीं गिर जाएंगे भगवान जी। कहाँ बताना है इनको? यहाँ पे। यहाँ पे? हाँ ठीक है रखो चलो। प्लीज मम्मा को जाना है। ओके यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे यू भी इधर, इसको ऐसे पकड़ो। क्या कर रहे हो? जब बोलेंगे तो वो सो जाएंगे। ठीक है चलो अभी इधर आओ मेरे पास। अरे वो लड्डू उनको खिलाता हूँ मैं अपने हाथ से। अच्छा खाते रहेंगे। तो गाइज हमने डिनर भी कर लिया है और अब इसी के साथ हम ये ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।